आज तारीख हो चुकी है 2 अक्टूबर। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेट जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको सभी 8 बड़ी खबरों का, मैं बताऊंगा तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती है मोहम्मद कैफ की तरफ। तो दरअसल मोहम्मद कैफ ने कल यहां पर रोहित शर्मा को लेकर स्टार स्पोर्ट्स पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर इन्होंने रोहित शर्मा को लेकर यह कहा कि रोहित शर्मा ने 5 आईपीएल खिताब जीत रखे और 2 से 3 महीना पहले अभी जस्ट रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीता और भारत के आज की तारीख में सबसे बेहतरीन ये कप्तान है। करंटली यहां पर सभी आईपीएल कप्तानों में से सबसे बेहतरीन ये कप्तान है, तो इनको आईपीएल में कप्तान के तौर पर ही खेलना चाहिए, यहां पर प्लेयर के तौर पर खेलना रोहित शर्मा टैलेंट के लिए यहां पर नाइंसाफी होगी, ऐसा यहां पर मोहम्मद कैफ ने स्टेटमेंट दिया। कैफ ने कहा कि भले इनको मुंबई छोड़ना पड़े, भले किसी और टीम से खेलना पड़े, पर इनको कप्तान के तौर पर ही खेलना चाहिए। जो इनके करियर के आने वाले 2-3 साल बचे, वो 2-3 साल कप्तान के तौर पर इनको खेलना चाहिए, इस प्रकार का मोहम्मद कैफ का स्टेटमेंट है। तो कैफ ने तो यही कहा कि रोहित को मुंबई को छोड़कर किसी और टीम में जाना चाहिए, कप्तान के तौर पर वहां पर खेलना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए मोहम्मद कैफ की इस बात से आकर एग्री करते हो या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर मुंबई इंडियंस की तरफ। दरअसल कुछ सोर्सेज यहां पर ये बता रही है मुंबई की टीम यहां पर अपनी 3 रिटेंशन तो फाइनलाइज कर चुकी है, जहां पर पहली रिटेंशन बुमराह को रख रही है, दूसरी सूर्य को और तीसरी रोहित को रख रही है। हालांकि रोहित 11 करोड़ में यहां पर हैज ऑफ नाउ शायद पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि वो रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे, लेकिन हार्दिक को शायद यहां पर ये टीम नहीं देख रही और रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है। हालांकि अभी तक कंफर्म्ड यहां पर न्यूज नहीं है, कुछ रिपोर्ट यही सजेस्ट कर रही है कि यहां पर इस प्रकार का यहां पर अपडेट है। दरअसल मुंबई की टीम सूर्य को कप्तानी देना चाह रही है और हार्दिक सूर्य के अंडर नहीं खेलना चाहते, वो यहां पर खुद कप्तानी चाहते, तो इस वजह से या तो सूर्या फिर हार्दिक में से एक को छोड़ना होगा। तो यहां पर हैज ऑफ नाउ यही अपडेट है कि मुंबई यहां पर सूर्या के साथ जुड़े रहना चाहती है। सूर्या की यहां पर सभी खिलाड़ियों के साथ काफी बेहतरीन बॉन्डिंग है, तो यहां पर इस वजह से यहां पर बुमराह सूर्या रोहित ये 3 हैज ऑफ नाउ यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहां पर अभी इन 3 के साथ ये टीम बातचीत कर रही है और ये 3 यहां पर ऑलमोस्ट रिटेन होने वाला। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये मुंबई की सही चॉइस है या फिर नहीं, या फिर आखिर हार्दिक को भी रोकना चाहिए, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है भारत और बांग्लादेश की यहां पर दूसरे टेस्ट मुकाबले या फिर सीरीज को लेकर। दरअसल कल 5वें दिन भारतीय टीम ने यहां पर बांग्लादेश के 8 विकेट झटक कर 100 के अंडर के टारगेट को यहां पर काफी कम ओवर में, लगभग 15-16 ओवर में चेस करके यहां पर अब सीरीज को 2-0 से जीत लिया, कंप्लीटली व्हाइट वॉश कर दिया और WTC के फाइनल में जाने के अपने चांसेस को और मजबूत कर दिया। तो भारतीय टीम का WTC के फाइनल में जाना अब ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ऑलमोस्ट तय है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर यहां पर भारतीय टीम इजीली WTC फाइनल में जा सकती है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है RCB की तरफ से। दरअसल RCB की तरफ से खबर है कि मोहम्मद कैफ ने यहां पर यह सजेस्ट किया कि RCB की टीम को रोहित को कप्तान के तौर पर लेकर आना चाहिए। इवन मोहम्मद कैफ ने तो स्टार स्पोर्ट्स पर यह तक बोला कि रोहित शर्मा के भी रिसेंटली उनके साथ बातचीत हुई, दरअसल एक मैच के दौरान ये दोनों मिले थे। तो मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा को यह कहा था कि ऑक्शन में जाए और RCB उन पर जितना है उतना पैसा लगाने को तैयार है। तो इस प्रकार का कैफ का स्टेटमेंट है। कैफ ने यह तक कह दिया कि RCB ऑलरेडी रोहित के पीछे और रोहित यहां पर ऑक्शन में भी जाने को देख रहे, तो यहां पर यहां से हिंट मिल रही है RCB की शायद रोहित कप्तानी तक यहां पर करते हुए दिख सकते हैं। कुछ सोर्सेज ये तक यहां पर बता रहे, हालांकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आएगी हम कुछ भी यहां पर नहीं कह सकते। अभी ये रिपोर्ट निकल कर रही है, हो सकता है कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए और जो भी आपको पता है अपडेट रहेंगे सब कुछ हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जो भी यहां पर फर्दर अपडेट रहने वाले सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस करने वाले, ऑक्शन को लेकर खबर मसाले अब सब कुछ टेलीग्राम पर हर रोज मिलेंगे। अब बात करते हैं 5वीं बड़ी खबर की। तो जो 5वीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है RCB की तरफ से। दरअसल RCB की तरफ से एक और खबर निकल कर आ रही है, जहां पर रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि RCB की टीम ने ऋषभ पंत को कप्तानी के लिए अप्रोच किया था। ऋषभ पंत को फ्यूचर कैप्टन के तौर पर यह टीम देख रही थी, लेकिन विराट कोहली ने ऋषभ पंत को लाने से मना कर दिया। तो विराट कोहली ने कहा कि कोई और दूसरा ऑप्शन देखा जाए, इस प्रकार की खबर है। हालांकि अभी तक भी ये खबर यहाँ पर ऑफिशियल नहीं छपे, लेकिन कुछ सोर्सेज इस प्रकार की यहाँ पर बात कर रहे। हालांकि ऋषभ पंत से चेन्नई ने भी अप्रोच करी थी, कुछ और टीमों ने भी अप्रोच करी थी, लेकिन RCB ने भी इनके साथ कप्तानी के लिए अप्रोच करी थी और विराट कोहली ने पंत को कप्तान के तौर पर देखने से मना कर दिया था, किसी और ऑप्शन को कप्तान के तौर पर देखने के लिए कहा है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर RCB को किसे अब कप्तान के तौर पर देखना चाहिए। अब बात करते हैं 6वीं बड़ी खबर की। तो 6वीं बड़ी खबर निकल कर आती है विराट कोहली की तरफ से। दरअसल विराट कोहली ने
कल यहाँ पर शाकिब अल हसन को यहाँ पर मुकाबला समाप्त होने के बाद अपना साइन किया हुआ यहाँ पर बल्ला गिफ्ट किया था, अपना बल्ला यहाँ पर दिया था जहाँ पर शाकिब अल हसन अब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, जहाँ पर कल इनका आखिरी टेस्ट मुकाबला था। तो इस वजह से इनको फेयरवेल में विराट कोहली ने यहाँ पर अच्छे गेस्चर के तौर पर अपना साइन किया हुआ बल्ला दिया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है कोलकाता की तरफ से। दरअसल रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कोलकाता की टीम सूर्या को अपनी टीम में लाने को यहाँ पर देख रही है। सूर्या के पीछे पीछे यहाँ पर पिछले दो महीनों से ये टीम देखिए सूर्या से लगातार ये टीम अप्रोच करी, जहाँ पर सूर्या जैसे प्लेयर की हर टीम को नीट है, हर टीम चाहेगी कि एक ऐसा इंडियन मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हो जो कि तेज रन बना सके और टीम को यहाँ पर संभाल सके। तो इस वजह से सूर्या को लाने के लिए कोलकाता भी यहाँ पर काफ़ी जोर शोर लगा रही, ऑक्शन से पहले ये भी काफ़ी बड़ी तैयारी कर रही। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग सूर्या को मुंबई में ही रहना चाहिए या फिर कोलकाता में जाना चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल एमएस धोनी को लेकर चेन्नई के ऑफिशियल ने कहा कि अभी तक यहाँ पर एमएस धोनी अगले साल खेलेंगे या फिर नहीं, अभी तक इन्होंने यहाँ पर बातचीत नहीं करी। इन्होंने कहा कि भले अनकैप्ड का रोल आ गया लेकिन एमएस धोनी से अभी तक यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं लिए कि वो खेलेंगे या फिर नहीं, तो अभी तक कुछ भी कन्फर्म नहीं है। हालांकि यहाँ पर बीसीसीआई ने तो अनकैप्ड प्लेयर का नियम एमएस धोनी के लिए ही निकाला, तो एमएस धोनी एटलीस्ट एक और साल खेलते हुए देखेंगे। लेकिन चेन्नई की मैनेजमेंट की अभी तक धोनी के साथ बात नहीं हुई है, चेन्नई की मैनेजमेंट ने कन्फर्म किया। आप कमेंट करिए बताइए आप एमएस धोनी को आखिर एक और साल या फिर कितने साल आईपीएल में खेलते हुए देखना चाहते हैं, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।